तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आई मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, आपको वहाँ पे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आई मोबाइल डाउनलोड करने से आपको तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आपका ICICI का अकाउंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, कभी मनी ट्रांसफर करें अगर गलत अकाउंट में चला गया तो आप कंप्लेन करेंगे तो आपका पैसा मिलने 100% गारंटी आपको पैसा मिल जाएगा। वहाँ से रिचार्ज करना, क्रेडिट कार्ड बिल भरना, इंश्योरेंस है, कुछ भी आप वहाँ पे करेंगे तो आपका पैसा वापस हो जाता है। यही चीज़ अगर आप फोन पे गूगल पे से करेंगे तो आपका पैसा जो है 50% तक चांस है कि मिल सकता है, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। और आई मोबाइल जो है, आप वहाँ पे कुछ भी करेंगे, आपके साथ अगर धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका पैसा मिलने का पूरा चांस रहता है। तो आई मोबाइल यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, आई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना डेबिट कार्ड निकाल के रख लें, क्योंकि वीडियो शुरू करने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, सबसे पहले तो आपको जो आई मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको, फिर से अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट स्टेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है दूसरा नंबर, और यह है डेबिट कार्ड। यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो आपसे उधर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हमेशा के लिए आप इसी पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आप यूज कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके। उसके बाद आपका जो सिम है, जो बैंक से लिंक है, 1 में है कि 2 में है आपको याद रहना चाहिए। अगर 1 में तो 1 में क्लिक करेंगे, 2 में है तो 2 में क्लिक करेंगे। यहाँ 1 पे क्लिक करके इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। देखिए, इस तरह से मोबाइल वेरीफाई होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपसे 4 अंक का पिन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी पिन डाल देते हैं। इस तरह से आपको कुछ पिन अपने हिसाब से चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का फिर से ऑप्शन आ जाता है, तो आपको डेबिट कार्ड पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे दोस्तों देख रहा है CIN। अब क्या है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो CIN का मतलब क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है MA09BC, इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ABCD लिखा, उसके ABCD में नंबर भी लिखे हैं, वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे सी है तो सी में वही नंबर डालना है, आई है तो आई में भी आपको वही नंबर डालना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सी में जो नंबर रहेगा आपको वही डालना है, और यहाँ पे जो आई में है आपको वही नंबर करना है। अदर नंबर कुछ गलत करेंगे तो आपका जो कार्ड है ब्लॉक हो सकता है। इस तरह से आपको तीनों ऑप्शन भरने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलाउ कर देना, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिकेशन लिख के आ गया, मतलब आपका जो है वेरीफाई हो चुका है, आपका जो अकाउंट है ओपन हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है लेटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो कार्ड है ATM कार्ड यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। इस तरह से आपको जो क्रेडिट कार्ड है कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप ATM पिन अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट ATM पिन, आप यहाँ चाहेंगे तो यहाँ से पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप आई मोबाइल यूज कर सकते हैं। होम पेज पे जाके अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मनी ट्रांसफ़र भी होता है, यहाँ से सब कुछ होता है। देखिए यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से मोबाइल बिल रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भर सकते हैं, आप यहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ UPI का भी ऑप्शन दिया गया है, आप ये सारा सारा चीज़ यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।